2016 में बजाज ने एक बाइक को लॉन्च किया था जिस बाइक का नाम था बजाज V15 और उसके लगभग एक से डेढ़ साल बाद मैंने वो बाइक खरीदी एज माय फर्स्ट बाइक। अब तुम लोग मानो या ना मानो, स्टार्टिंग के जो 3 साल थे मेरी बाइक के साथ वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल साल थे। मतलब स्टार्टिंग के 3 साल तो भाई मैं एकदम झेल गया था अपने बाइक को, मतलब काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा मुझे इस बाइक में। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बजाज V15 से रिलेटेड ऐसे 5 प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके 5 सॉल्यूशंस के बारे में बेसिकली बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर तुम लोगों की बाइक में ये प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो तुम लोग उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओ। सो 2017 में मैंने जब बाइक लिया, जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई वो प्रॉब्लम बेसिकली थी इसकी बैटरी प्रॉब्लम। अगर तुम लोगों को नहीं पता है भाई, बजाज ने बजाज V15 में इतनी गंदी बैटरी दी है, इतनी छोटी बैटरी दी है कि वो हर 1 महीने पे वो खराब हो जाती थी। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं थी, ये प्रॉब्लम बेसिकली हर उस व्यक्ति के साथ थी जिस व्यक्ति ने बजाज V15 बाइक को बेसिकली खरीदा था। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसका मैंने सॉल्यूशन बेसिकली मैंने क्या निकाला, इसका सॉल्यूशन बेसिकली इतना निकाला कि मैंने इसकी बैटरी एक कंपनी जो है वो मैंने चेंज कर दी। मेरे बाइक में जब स्टार्टिंग में मिला था वो मुझे एमरॉन की बैटरी मिली थी, हरे कलर की होती है कोई, तो उस वाली बैटरी को मैंने फेंक दिया और इसमें मैंने एक्साइड की बैटरी डाली। अब मुझे नहीं पता भाई बैटरी की कंपनी से इसका क्या रिलेशन है, लेकिन मैंने जैसे ही मैंने एक्साइड की मैंने बैटरी डाली भाई, बाइक मेरी एक बार भी इसकी बैटरी खराब नहीं हुई। अगर तुम लोगों की बजाज V15 में भी अब बैटरी का इशू आ रहा है तो तुम लोग ये वाली एक्साइड की इसमें बैटरी डालना। एक्साइड की बैटरी जो है वो बजाज V15 पे 1 नंबर वर्क करती है भाई, बहुत अच्छी वर्क करती है। सो ये थी मेरे बाइक की पहली प्रॉब्लम और मेरे बाइक का पहला सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं बजाज V15 के दूसरे प्रॉब्लम पे। दूसरा प्रॉब्लम ये है इस बाइक में कि भाई इस बाइक में ना वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यानी कुछ तो बजाज ने ऐसा खेल किया है इसके चैसी में कि मतलब इतना भयंकर वाइब्रेट करती है ना, अगर बाइक अगर 60 के अगर ऊपर अगर चली गई, ये पूरी बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा थी। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, इसका जो है वो कोई सोल्यूशन हमने ना निकाला हो। सो अभी जो मैं तुम लोगों को मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इससे वाइब्रेशन खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इससे वाइब्रेशन तुम लोगों को बहुत कम फील होगा, उतना ज्यादा फील नहीं होगा जितना ओरिजिनली होता है। सो इस बाइक में वाइब्रेशन से डील करने के लिए मैंने जो चीज लगवाई है वो चीज है ये हैंडल बार। ये जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, ये ओरिजिनल हैंडल बार नहीं है, ये आफ्टर मार्केट हैंडल बार है। और इस वाले हैंडल बार में और ओरिजिनल हैंडल बार में डिफरेंस क्या है ना, इसका जो ओरिजिनल जो हैंडल बार आता था उसमें ये चीज ज्वाइंट नहीं थी, लेकिन इस आफ्टर मार्केट हैंडल बार में ज्वाइंट है। सो इससे क्या होता है ना, ये जो चीज है ना ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा कम कर देता है। अब मुझे अब इसका साइंस तो नहीं पता है, लेकिन जब से ये वाला हैंडल बार मेरे बाइक में लगा है तब से मेरे हाथों में बेसिकली वाइब्रेशन बहुत कम फील होती है। ये सॉफ्ट मार्केट हैंडल बार में ये अलग से जॉइंट है जो कि वाइब्रेशन को रिड्यूस करने में काफी हद तक मदद करता है। सो ये था मेरे बाइक की दूसरी प्रॉब्लम और उसका दूसरा सोल्यूशन। सो अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 और सोल्यूशन नंबर 3 पे। सो अब इस बाइक में जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने बाइक को जब नया नया लिया था ना, मान लो जैसे मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ ना, एकदम स्टॉप एंड गो वाली ट्रैफिक है, सो इस वाले बाइक में प्रॉब्लम क्या होती थी ना, ये बाइक जो है वो चलते चलते ट्रैफिक में स्टॉल हो जाती थी। मैंने एक्सेलेरेटर मैंने खींचा हुआ है, मैं रेव दे रहा हूँ, लेकिन बाइक जो है वो ट्रैफिक में बंद हो जाती थी। अब ये तो होगी प्रॉब्लम की बात, अब इसका सोल्यूशन क्या, इस चीज का सोल्यूशन मैंने सिंपली मैंने इतना निकाला है कि मैंने अपने बाइक का आइडल रेव जो है वो हाई करवा दिया। मतलब जब मेरी बाइक जब खड़ी रहती है ना, उस समय भी बाइक जो है वो हाई रेव पे रहती है। किसी भी मैकेनिक के पास अपने बाइक को लेके जाना, उससे कहना कि इस बाइक की आइडल रेव जो है उसको बढ़ा दो, है ना, सो वो बढ़ा देगा, जिससे कि तुम्हारी बाइक जो है वो स्टॉल नहीं होगी। अब ये था मेरे बाइक का प्रॉब्लम नंबर 3 और इसका सोल्यूशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। अब मेरे बाइक में जो चौथी प्रॉब्लम थी ना, वो काइंड ऑफ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी और वो वाली प्रॉब्लम थी बेसिकली विंड ब्लास्ट की। अगर तुम लोग नहीं पता है भाई विंड ब्लास्ट क्या होता है, हम लोग जब भी हम लोग बाइक पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, सामने से चलती हुई जो हवा आती है ना, जो एकदम फेस पे लगती है, उसको बेसिकली विंड ब्लास्ट कहते हैं। सो अब विंड ब्लास्ट से बचने के लिए मैंने इस चीज का मैंने सोल्यूशन क्या निकाला, मैंने अपने बाइक पे लगवा दिया अलग से ये वाइजर। ये जो तुम लोग देख रहे हो ये अलग से वाइजर लगा है, जो बाइक का जो ओरिजिनल जो वाइजर था वो सिर्फ इतना था और वो मतलब बेकार था, वो कोई इफेक्ट ही नहीं करता था। सो विंड ब्लास्ट
से बचने के लिए मैंने इस चीज का सोल्यूशन ये निकाला कि मैंने इसमें अलग से इतना बड़ा विंडशील्ड इसमें लगा दी। इसको लगाने के बाद ना भाई जो फर्क पड़ा है ना, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है। विंड ब्लास्ट मेरे चेहरे पे उतना नहीं लगता है जितना पहले लगता था। वो जो विंड सामने से आती है ना, वो डिफ्लेक्ट होके मेरे ऊपर से निकल जाती है ना, जो की हाईवे पे चलने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो ये था मेरे बाइक का 14 सोल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। अब बजाज V15 में जो पांचवी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना। बजाज ने एक काम जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा किया है, और वो काम है बेसिकली इसका सड़ा हुआ टायर देना। तो बजाज V15 का जो स्टॉक टायर था ना, वो भाई बहुत ही सड़ा हुआ था, उससे बाइक उससे स्लिप करती थी, मतलब एकदम टारमैक वाली रोड पे भाई बाइक स्लिप कर रही थी, सोचो। सो अब इस चीज का सोल्यूशन मैंने क्या निकाला, इस चीज का सोल्यूशन मैंने सिंपली इतना निकाला कि मैंने जो है वो टायर चेंज कर दिया। जैसा कि तुम लोग इस समय देख सकते हो, ये पीछे मेरे बाइक का जो है ये ओरिजिनल टायर नहीं है, ये मैंने अलग इसमें लगवाया है। सामने वाला एकदम ओरिजिनल टायर है, इसमें देख सकते हो इसमें भाई क्रैक, इसमें पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ये वाला टायर है TVS टायर, नाम है इसका जंबो पॉली एक्स, और बजाज के स्टॉक टायर से ना ये वाला टायर भाई 10 गुना अच्छा है। अभी आगे का मेरे टायर मैंने इस वजह से चेंज नहीं कराया क्योंकि भाई इसका जो फ्रंट वाला व्हील का टायर है वो अवेलेबल ही नहीं था। सो जैसे ही वो अवेलेबल होगा मैं लगवा लूंगा, मैं इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। भाई ये वाला टायर भाई बहुत खराब टायर है, बजाज ने बहुत गंदा टायर दिया है इसमें। सो ये था बजाज V15 के 5 प्रॉब्लम और बेसिकली उसके पास सॉल्यूशन। जब से मैंने ये सारे सॉल्यूशंस अपने बाइक में इंप्लीमेंट किए हैं, मेरी बाइक जो है भाई एक नंबर चल रही है ना। अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती मेरे बाइक में, है ना। ना ही अब इसमें बैटरी की प्रॉब्लम होती, ना ही बाइक स्लिप करती, ना ही वाइब्रेशन की उतनी प्रॉब्लम है। सो चलो गाइज, आई होप ये वाली वीडियो जो है वो तुम लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वाली वीडियो अगर हेल्पफुल अगर लगी है, सो नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, व्लॉग्स बनाता हूं, मोटर व्लॉग बनाता हूं, और ऐसे ही कभी कभी वीडियो बना देता हूं। चलो गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ब्लॉग को करता हूँ ये बड़ी खत्म, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।